अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी मैं आधी नींद में हूँ, इनफैक्ट मैं सोई भी नहीं हूँ ठीक से, एक घंटा सोई होंगी एक्चुअली। इस टाइम जो सुबह के हैं वो बज रहे हैं 7। तो मैं जब घर से निकली तो मैं इतनी जल्दी में निकली कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी, इसलिए मैंने अभी रास्ते में स्टार्ट किया है। तो इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे उठने का मकसद ये है कि हम लोग जा रहे हैं बाबा लाल शाह, जो कि मरी में है एक्चुअली। हम लोग ग्रुप लेकर जा रहे हैं, होली ग्रुप, वहाँ पे दरबार है बाबा लाल शाह का। मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी बस हम लोग निकलते हैं, रास्ते में हैं, हमने इमाम बारगाह जाना है और फिर इमाम बारगाह से वहाँ से सब लोगों को लेकर हम लोग निकलेंगे मरी बाबा लाल शाह दरबार की तरफ। तो वैसे लाहौर हम लेकर जाते हैं और इंटरनेशनल भी होली ट्रिप्स भी लेकर जाते हैं, जैसे ईरान, इराक और सीरिया। तो लाहौर तो बहुत दफ़ा लेकर गई हूँ लेकिन मैं कभी बाबा लाल शाह नहीं गई, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो बस अभी निकलते हैं जल्दी से, इमाम बारगाह पहुँचते हैं और फिर बाकी की बातें करेंगे बाद में। पूरे रास्ते मेरी आंख कभी खुलती थी और कभी लगती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं सारी रात सोई नहीं थी, शायद इसलिए। जी लाल शाह हम पहुँच चुके हैं और रास्ते में मैं बिल्कुल नहीं बना सकी क्योंकि मैं बहुत नींद में हूँ, मैं सारी रात नहीं सोई और बहुत मुश्किल से ये व्लॉग बना पा रही हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, प्लस जो ट्रेवल किया है। और दुआ तुम फर्स्ट टाइम आई हो? जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये लाल शाह की जो है ये एंट्रेंस है आई गेस। अम्मी तेल और फूल और वो चीजें ले ली? बेटा मैंने फूल ले लिए और तेल के लिए चिरागा लेने लेते हैं आगे से। चिराग नहीं लिए? लेने आगे से। चलें ठीक है। ये कितना ऊपर है और अभी पापा सीढ़ी है बेटा, आपको नहीं कहा था सीढ़ी है? ओके बहुत सीढ़ी है। बाबा जी दुआ करना मेरी बेटी के लिए। अच्छा मैंने समझा कि वो वाली एंट्रेंस है लेकिन वो एंट्रेंस नहीं है जो। वाह ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये दुकानें हैं सारी, ये ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं और ओह हो। अच्छा ये काफ़ी हाइट पर है, ये है मेन एंट्रेंस। क्या हुआ, सारा ग्रुप पीछे? हम सबसे पहले क्योंकि हमारे ग्रुप में काफ़ी बुजुर्ग और सही आजादी हैं, लेडीज़ ग्रुप है, जेंट्स में सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा हैं और इस वजह से मैं जो है बस में कोई वीडियो नहीं बना सकी। ओह मुझे सारा सारी अभी वो जितने भी बुजुर्ग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही हैं। पापा और अम्मी वहाँ से चिरागे ले रहे हैं और ये मेन एंट्रेंस है दरबार आलिया जनाब सैयद बादशाह लाल हुसैन शाह कलंदर बियाबानी काजमी मुशहदी मुसवी। बिस्किट भी दे दें, मौला कबूल करें। दरबार में आते ही अभी हम अंदर नहीं गए थे, हमें गर्मा गर्म चाय और बिस्किट्स की वो मिला तबर्रुक। नजर लग गई सारों की, मेरा बिस्किट चाय में गिर गया। कोई बात नहीं चलता, सारे कह रहे थे मुझे डबल डबल न्याज मिली है, मेरा बिस्किट चाय के अंदर ही गिर गया। मस्ते बिला मम
मामा बाबा और मैं और मेरी बहनें हम लोग ऊपर पहुँचे और ऊपर पहुँच कर हम लोगों ने दस्तार और जो लाल शाह की चादर अम्मी घर से अपने हाथों से बना कर लेकर आई थी वो हमने जाके रेडी की। हम लोग घर से कोई थाल नहीं लेके गए थे लेकिन वहाँ पर जाकर हमें मिट्टी के बर्तन मिल गए थे जिसमें हमने दस्तार रखी। और फिर ये मेन एंट्रेंस है बाबा लाल शाह की। जब हम यहाँ से अंदर जाने की हमने कोशिश की तो उन्होंने कहा दूसरे दरवाजे से आएँ। और फिर जब हम दूसरे दरवाजे पर गए तो वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि मस्तूरात अंदर नहीं जा सकती। लेकिन उन्होंने अम्मी को कहा कि आप दस्तार और चादर इतनी अकीदत से बना कर लाई हैं तो उन्होंने मामा को और हमारी जो एक सैयदादी हैं हमारी बीजी उनको अंदर जाने दिया और बाकियों को वो मना कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता सबको उन्होंने जाने दिया था। नारा लगाएंगे करबला विच 72 मरले का पलाट पाएंगे नारा हैदरी। नारा लगाएंगे मदीने दिया टिकटा लेके जाएंगे नारा हैदरी। नारा दरबार के बैक साइड पे जो अलम है यहाँ सब मन्नत मानते हैं और लाल दुपट्टे और डिफरेंट कलर के दुपट्टे बांधते हैं मन्नत किए और फिर दुआ मांगते हैं। बाबा ने भी यहाँ पे मेरे लिए एक दुपट्टा बांधा और फिर वो इमोशनल हो गए। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाती हूँ। ये वाली ये जो जगह है ये देखें कितनी खूबसूरत है, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये लोग अपनी दुआएं बांधते हैं और यहाँ पर कोई भी हाजत और यहाँ पे बांध देते हैं अपनी निशानी के तौर पे। ये जहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए थे और ये मच है, यहाँ पर चिल्ला काटा था बाबा लाल शाह ने और यहाँ पर आग वगैरह भी जलती है जिसको मच कहते हैं। और ये चरागा है, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के दिए लाते हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबू फजल अब्बास। ये अलम पाक है और फिर उसके बाद ये बाबा लाल शाह का रोज़ा यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो है मेन एंट्रेंस है। और यहाँ से ये पूरा एक एंट्रेंस यहाँ से है और एक एंट्रेंस
अभी ये मस्तूरात का अंदर जाना मना है, लेकिन हम लोगों ने चादर और वो चढ़ानी थी इसलिए हम लोगों को उन्होंने अलाउ कर दिया था। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई, बहुत ही ख़ास व ख़ास ये बाबा लाल सरकार के कदम है। ये देखिए दरबारों पर जो गरम गरम ये पैकेट्स में न्याज मिलती है ना, इसकी अपनी बात है। और ये इसी तरह गरम गरम खाने का मज़ा आता है ऐसे। ये जो शेर यहाँ पर रखे हुए हैं, मैंने जिससे पूछा है उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पर हर जुमेरात को शेर आते हैं इस दरबार में चारों तरफ। वहाँ से आते हैं शेर, वहाँ से आते हैं ना जुमेरात को, तो अच्छा किसी को नजर नहीं आते तो वहाँ से हर जुमेरात को वहाँ से कहते हैं कि शेर आते हैं इस दरबार पर हर जुमेरात को।